ओटीटी सीजन 3 के लिए ये 6 नाम कंफर्म हो चुके हैं। मैं आप लोगों को ये 6 कंटेस्टेंट के बारे में बताने तो वाली हूँ, पर आप लोगों को इन लोगों के नाम जानने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इनमें से किस कंटेस्टेंट को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं। या तो आप ये भी बता सकते हैं कि भाई हम तो देखने के बाद ही इनको देखने के लिए एक्साइटेड होंगे, पहले हम घंटा नहीं एक्साइटेड होने वाले। कमेंट बॉक्स में दिल खोल के आप कमेंट कर सकते हो, जैसे कि दिल खोल के मैं आपके साथ अपनी वीडियो के जरिए गॉसिप करती हूँ। तो मिक्का सिंह को तो आप लोग जानते ही होंगे, मिक्का सिंह को तो भाई कौन नहीं जानता है। मिक्का सिंह आकांक्षा पुरी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इन्होंने स्वयंवर भी किया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे आकांक्षा पुरी के लिए। और फिर OTT सीजन 2 में जो है आकांक्षा पुरी भी आई थी और जदा दीदी के साथ जिस तरीके का उनका सीन रहा, जिस तरीके की उनकी ऐसी हरकतें और पर्सनैलिटी रही, तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। अभी आकांक्षा पुरी के बहुत अच्छे दोस्त मिक्का सिंह, जिन्होंने एक्चुअली में इंडस्ट्री में अपना नाम काफ़ी ज़्यादा कमाया हुआ है, वो जो है OTT सीजन 3 के लिए कन्फर्म हो चुके हैं। तो आप इनको देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मिक्का सिंह के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा गॉसिप ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा फुगरी बाज होगा और फुगरी ज़रूर झाड़ेगा और फेक चीज़ें जो है ये बंदा ज़रूर करेगा। ये मेरा मतलब कि दिल बोल रहा है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, और जो दिल में होता है वो तो मैं एकदम बेधड़क अपनी वीडियो में आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो अब सेकंड नाम के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, साई केतन राव। तो साई केतन राव के बारे में आपका क्या ख्याल है आप बताइए, अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलती रही तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सोनम खान का भी नाम सामने आ चुका है, कंफर्म हो चुकी हैं सोनम खान और सना मकबूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी और मैं ही नहीं, काफ़ी सारे लोग सना मकबूल को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और एक और सना आ रही है, हालांकि बिग बॉस सीजन 13 में जो है काफ़ी ज़्यादा सना को पसंद किया गया था। कौन सी सना को पसंद किया गया था आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सना मकबूल भी कन्फर्म हो चुकी है और सना सुल्तान भी कंफर्म हो चुकी है और उसी के साथ पोलमी दास ये भी कंफर्म हो चुकी है। बताओ भाई कैसे कैसे नाम है, स्टार्टिंग में तो मेरे को नाम ही लेने नहीं आते हैं, बट उसके बाद इतना ज़्यादा इनके नाम लेती रहती हूँ कि मैं फिर इनके नाम कभी भूलती नहीं हूँ और इतने अच्छे से इनके नाम बोलने शुरू कर देती हूँ। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता सकते हैं कि ये 6 कंटेस्टेंट जो कन्फर्म हुए हैं उनको देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड है या देखने के बाद आप लोग एक्साइटेड होंगे।